जिला पंचायत सदस्य अमनलाल मीणा ने गरोट विश्राम गृह पर सायंकाल एक प्रेस वार्ता की। विधानसभा क्षेत्र 227 भाजपा की ओर से उम्मीदवारी की मंशा जाहिर की। मीणा ने मीडिया को बताया है कि जन्म से मेरा परिवार भाजपा में रहते हुए मैंने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा की है। लगातार 3 बार 2015 तक ग्राम पंचायत कोटड़ी टैंक से सरपंच रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य, लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में तहसील स्तरीय सक्रिय राजनीति में, वर्तमान में जिला कार्यकारिणी का स्थायी आमंत्रित सदस्य। 2010 में भाजपा से धर्मपत्नी नीला अमरलाल मीणा वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत मंदसौर का चुनाव लड़ा तथा 15 में जिला पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर अमरलाल मीणा वार्ड क्रमांक 16 से गांधीसागर जिला पंचायत सदस्य है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मीणा समाज विधानसभा क्षेत्र गरोट में बहुल्य समाज में आता है। किस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई है? इस बात को लेकर प्रेस वार्ता की गई है कि मैं लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, संगठन का काम किया और लगातार किसी न किसी पदों पर, संगठन के पदों पर जनप्रतिनिधि के रूप में रह कर के जनता की सेवा की और मेरे को लगातार 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए। इस बार से लगा के 2015 तक लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय रूप से सरपंच रहा। 2015 तक मेरी मिसेस लीलाबाई अमरलाल मीणा जिला पंचायत का चुनाव लड़ी। 2015 में फिर मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और 5,281 वोट से जीता और इस बार मेरी गरोट भानपुरा विधानसभा क्रमांक 227 से मेरी दावेदारी है। इस दावेदारी को लेकर मैंने प्रेस वार्ता